शोहरत हासिल करने के लिए दलजीत के पति बने निखिल, एक्ट्रेस के फेम का किया अपने लिए इस्तेमाल, दलजीत कौर की दूसरी शादी का बन गया है तमाशा, एनआरआई हस्बैंड से मिले धोखे का न्याय मांगने के लिए लिया कोर्ट का सहारा। टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर बीते काफी समय से अपनी दूसरी शादी के टूटने की वजह से खबरों का हिस्सा बनी हुई हैं। आखिर 41 साल की उम्र में दलजीत को एक बार फिर से अपने घर के टूटने का दर्द जो झेलना पड़ रहा है। शालीन से मिले टॉर्चर के बाद एनआरआई निखिल पटेल संग जब उन्होंने बीते साल शादी की तो अपने मन में उन्होंने खुशहाल जिंदगी के सपने भी संजोए, लेकिन ये बात तो शायद उन्होंने भी अपने सपने में नहीं सोची होगी कि जिस इंसान के साथ वो अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर रही हैं, वही उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शोहरत पाने के लिए करेगा। जी हाँ, दलजीत निखिल के रिश्ते के टूटने के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि निखिल ने दलजीत संग शादी सिर्फ उनके फेम की वजह से की थी, क्योंकि इंडिया में एक्ट्रेस एक जाना माना चेहरा है और लोग उनके फैन भी हैं। और निखिल को लेकर ऐसा कहना खुद दलजीत का ही है। जी हाँ, दलजीत ने निखिल पटेल पर उनका नाम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दरअसल एक्ट्रेस का कहना है कि उन्हें भगवान के लिए मेरे नाम पर फेम लेना बंद कर देना चाहिए और पॉपुलैरिटी के लिए इतना बेताब होना भी बंद कर देना चाहिए। उन्होंने एक पीआर को काम पर रखा हुआ है जो कि सबसे बड़ा मजाक है। सिर्फ यही नहीं, दलजीत ने निखिल पर इंडिया के रीति रिवाज का मजाक उड़ाने का भी इल्जाम लगाया है और केनिया के अधिकारियों से उनके और बेटे जेडन के लिए स्टैंड लेने के लिए कहा है। दलजीत ही नहीं बल्कि इस मामले में एक मीडिया रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसके मुताबिक निखिल पटेल अच्छी तरह से जानते थे कि वो अपने निजी जीवन को सबके सामने लाकर ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी पा सकते हैं। यही वजह रही है कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर प्रोपेगेंडा बनाया और मीडिया में कुछ प्रेस रिलीज जारी कर अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक किया। उन्हें पता था कि कुछ मीडिया पर्सन उनकी तरफ से बोलेंगे। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उन्हें पता था कि अगर वो दलजीत को धोखा देंगे तो इससे उनकी छवि पर असर पड़ेगा, क्योंकि दलजीत कई बार ये दावा कर चुकी हैं कि निखिल उनके प्रति वफादार नहीं है, वह उन्हें लगातार धोखा दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक सोची समझी रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि दलजीत सोशल मीडिया पर लगातार कोई ना कोई पोस्ट शेयर कर पति से मिले धोखे की ओर इशारा कर रही हैं। वो अपनी शादी को लेकर भारत और केनिया में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। वहीं निखिल का ये कहना है कि उनका और दलजीत का रिश्ता उसी समय खत्म हो गया था जब एक्ट्रेस केनिया से इंडिया लौटी थी। बहरहाल अब दलजीत की दूसरी शादी से और कितनी बातें दुनिया के सामने आएंगी, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट E24।